तो हमने यार GTA San Andreas के अंदर बहुत बहुत सी क्रेजी चीजें करी हुई है। हमने PC वाले GTA San Andreas को पूरा रिमास्टर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर रखा है, और उसके अलावा जो GTA 5 है, रियल GTA 5, हमने बहुत सारे से रियलिस्टिक ग्राफिक्स मोड को ऐड किया है। बट यार, मैं आज आपके लिए ग्राफिक्स मोड पैक लाया हूँ आपके GTA San Andreas एंड्रॉइड के लिए, जिसमें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ आपके GTA San Andreas एंड्रॉइड के लिए रीशेड मोड पैक। रीशेड क्या बोला तूने? रीशेड जो मोड पैक होने वाला है, ये एक्चुअल में आपको फील देने वाला है आपके GTA San Andreas के हाईएस्ट ग्राफिक्स का। और एक्चुअली ये वाला जो ग्राफिक्स मोड पैक है, ये आपको बिल्कुल रियलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है, क्योंकि इस ग्राफिक्स मोड पैक का नाम है रीशेड मोड। ये वाला जो रीशेड मोड पैक है, ये आपको प्रोवाइड करेगा रियल विजुअल एक्सपीरियंस, साथ में आपको बहुत अच्छे कार्स के एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेंगे, अच्छा कार्स का एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा। प्लस आपको एक और चीज एड ऑन होके मिलेगी, जो कि हमें नॉर्मल GTA San Andreas एंड्रॉइड के अंदर नहीं देखने के लिए मिलती है, जो कि रहेगा आपके माउंटेंस। जी हाँ, माउंटेंस बहुत कम मोड पैक्स में आपको दिखाई देते हैं, लेकिन इस मोड पैक के अंदर आपको माउंटेंस दिखाई देंगे। माउंटेंस से मेरा मतलब ये है कि अगर आप प्लैंक रोड पर ड्राइव कर रहे होंगे कार को, कोई भी, आपको माउंटेंस दिखेंगे आपके दूर, तो आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलने वाला है, अगर आप ऐसे ग्राफिक्स मोड पैक के साथ में फैमिलियर नहीं हो। ये ग्राफिक्स मोड पैक आज की वीडियो में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इफ़ आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सब्सक्राइब कर दो, नीचे मुझे कमेंट कर दो कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं, क्योंकि ये वीडियो मैं अच्छा बनाना चाह रहा हूँ। और यार, इस वाले ग्राफिक्स मोड पैक के साथ में ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल हो चुकी है। इस ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर आपको दिख जाएंगे यहाँ पे कार्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। जी हाँ, बहुत सारी ऐसी स्पोर्ट्स कार्स है जो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ ऐसे नए नए इफेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे अपने स्काई बॉक्स के अंदर, जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। अगर आप गेम को खेलोगे तो आपको दिखाई देंगे कि इतनी सारी चीज़ें आपको इस वाले पर्टिकुलर एक ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर देखने के लिए मिल जाएगी। और ये अकेले चीज़ नहीं है, ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर बहुत सी चीज़ें होती है जो कि ग्राफिक्स मोड पैक को एक अच्छा ग्राफिक्स मोड पैक बनाती है, GTA San Andreas को पूरा चेंज कर देती है। वो ग्राफिक्स मोड पैक आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि ये एक्चुअल में गेम चेंजिंग वाला ग्राफिक्स मोड पैक है, जिसमें आपको बहुत सारी ऐसे रियलिस्टिक कार्स देखने के लिए मिल जाएगी, GTA 5 की कार्स, GTA ऑनलाइन की कार, और आपको नियॉन लाइट्स वगैरह की जो कार्स होती है वो देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा जो यहाँ पे आपको मैप की पोजीशन है वो थोड़ी सी अलग देखने के लिए मिलेगी, जो कि आपको PC वाली फील देता है। और तो और, यहाँ पे आपकी जो रोड है गेम की, वो पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है, यानी कि जो हमारे डिफॉल्ट गेम की रोड्स होती है उनको आप यहाँ पे बोल सकते हो कि वो पूरी चेंज कर दी गई है। और ये वाली जो रोड्स आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, ये पूरी ब्रांड न्यू रोड्स यहाँ पे एड ऑन कर दी गई है। मैं वीडियो में ज्यादा आगे जाने से पहले बता दूं कि ये मोड पैक किसी ओनर डेवलप किया है, मेरा इसमें सच कोई भी खास कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो इनका क्रिएटर है उनका मैंने आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया नाम, उनको जाकर के आप सपोर्ट ज़रूर करिए। लिटरली बहुत अच्छा मोड पैक बनाया, मैं एक्चुअली में बहुत इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि ये वाले जो ऐसे ग्राफिक्स मोड पैक होते हैं जिसमें यार इतनी अच्छी तरीके से रीशेडिंग होती है और जो कि बहुत अच्छे से डिज़ाइन होती है, वो एक्चुअल में बहुत अमेजिंग होते हैं। ऐसे ग्राफिक्स मोड पैक जो है बहुत इंप्रेसिव होते हैं। तो ये वाले ग्राफिक्स मोड पैक का जो मैंने ट्रेलर है वो भी मैंने डाल दिया था पिछली वीडियो में, आपको पता होगा मैंने पहले वीडियो अपलोड कर दी थी। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप अपने स्क्रीन पे गेम प्ले देख ही पा रहे हो। कुछ इस टाइप का ये जो आपका गेम है ये दिखने वाला है, और बारिश के मौसम में बहुत ज्यादा रियलिस्टिक आपको फील देता है, जैसे कि आप लाइक GTA 6 GTA 5 को खेल रहे हो, उस टाइप के एनिमेशन भी आपको प्रोवाइड करता है, विच इज एक्चुअली अमेजिंग थिंग गाइस। अगर आप एक ऐसे मोड पैक को ढूंढ रहे हो जहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर वाला ग्राफिक्स मोड पैक मिल जाए, ये आपको मिल जाएगा। क्लोर स्क्रिप्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगी, जो कि हर एक ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर होनी चाहिए, उससे ज्यादा क्लोर स्क्रिप्ट्स यू विल फाइंड इन दिस ग्राफिक्स मोड पैक। एंड ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है वो होती है स्काई बॉक्स। मैंने स्काई बॉक्स के ऊपर बात नहीं करी अभी। स्काई बॉक्स ऐसा आपको रियलिस्टिक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने वाला है, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि टाइम के अकॉर्डिंग आपका स्काई बॉक्स किस तरीके से जो है रिफ्लेक्ट करने वाला है आपकी स्क्रीन के ऊपर। और जो स्काई बॉक्स जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है हर एक ईच एंड एवरी ग्राफिक्स मोड पैक के अंदर, वो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली जाएगी। वेजिटेरियन आपको यहाँ पे एक्चुअल में बहुत रियलिस्टिक देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि एक्सपेक्टेड है इतने अच्छे ग्राफिक्स मोड पैक के साथ पे। और तो और, अगर आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे हो एकदम ओपन रोड में, तो तब आपको यहाँ पे इस ग्राफिक्स मोड पैक में
इस ग्राफिक मोड पे का जो है पूरा पोटेंशियल देखने के लिए मिलेगा कि ये कितना ज़्यादा ऑसम है। जो कंट्रोल्स है मैं यहाँ पे लिटिल ट्रांसपेरेंट कंट्रोल के साथ मैं गेम को प्ले कर रहा हूँ, ये पूरे ट्रांसपेरेंट बटन नहीं है। मैं ज़्यादातर अपनी गेम प्ले में ट्राई करता हूँ कि मैं पूरा ट्रांसपेरेंट बटन्स को दिखा करके मैं गेम प्ले को शो करूँ, बट आप में से कुछ लोग फिर मुझे कमेंट करते हो कि यार ये ऐसे ग्राफिक मोड पे में कंट्रोल्स तो है ही नहीं। पासवर्ड के बारे में बात करना चाहूँगा। पासवर्ड यार मुझे पता है कि मैं वीडियोस के अंदर पासवर्ड डाल रहा हूँ और आप लोगों को भी ये पता शायद ना हो, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि यार वीडियोस के अंदर जो है पासवर्ड अब मैं डालने लग रहा हूँ, क्योंकि इससे ये ज़्यादा बेनिफिट ये होता है कि यार अगर आप वीडियोस को देखोगे आप अपने गेम को क्रैश होने से बचा सकते हो। तो आप मुझे आकर के ऐसे कमेंट नहीं करोगे कि यार मेरा गेम क्रैश कर रहा है अगर आप एक बार वीडियो को देख लोगे। अगर आपको अपने इस वाले मोड पैक को अच्छे से चलाना है बिना किसी प्रॉब्लम के, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको एक बार अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस के ऊपर आता हूँ। इंस्टॉलेशन प्रोसेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, मैंने वीडियो बनाई हुई है आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टॉलेशन पे जाकर के इंस्टॉल आपको करना होगा जो प्रोसेस अकॉर्डिंग होगा उसके, अदरवाइज गेम आपका हो जाएगा क्रैश और आप हो जाओगे अनएबल फॉर प्लेइंग गेम, बिकॉज गेम रिक्वायर करता है एक अच्छा इंस्टॉलेशन और एंड्रॉयड वर्जन रिक्वायर करता है। एंड्रॉयड वर्जन से मैं आना चाहूँगा, जो गेम प्ले आपने देखा वो गेम प्ले रिकॉर्ड हुआ था एंड्रॉयड 13 में। अगर ये गेम प्ले आप देख सकते हो, अगर ऐसा गेम चल रहा है तो एंड्रॉयड 11 या एंड्रॉयड 12 या एंड्रॉयड 10 आप किसी में भी गेम को खेल सकते हो। बट रिमेंबर वन थिंग, इंस्टॉलेशन प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ क्योंकि इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के अंदर, और उस वजह से ये प्रॉब्लम होती है कि उनका गेम हो जाता है क्रैश। ऑल दो मैंने क्रैश के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है, अगर आपका गेम बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस में क्रैश कर रहा है इंस्टॉलेशन के बाद भी, तो आप मेरे क्रैश के वीडियोज़ को भी देख सकते हो जो कि आपको प्रोवाइड करेंगे सॉल्यूशंस अगर आपकी गेम प्ले में प्रॉब्लम आ रही है, गेम प्ले लैग हो रहा है, या फिर कोई क्लोज स्क्रिप्ट यूज़ करते वक्त आपका गेम पूरा का पूरा क्रैश हो जाए रहा है। वो सब चीज़ों के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हो जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, और आपका जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप जाकर के एक्सेस कर सकते हो। ऑल दो अगर आप इंस्टॉलेशन प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करोगे तो आई डोंट थिंक आपका गेम लैग होगा। बट एनीवेयर गाइस, ये था सब आज की इस वीडियो में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा ग्राफिक्स मोड पैक के बारे में। अगर कोई इशू है, कोई क्वेरी है, तो यार आप इंस्टाग्राम पे आके मुझे डीएम कर सकते हो, डिस्कॉर्ड पे डीएम कर सकते हो। आई एम मोर एक्टिव ऑन डिस्कॉर्ड रादर देन इंस्टाग्राम, सो यू कैन कम इफ़ यू वांट इंस्टेंट रिप्लाई, यू कैन डीएम मी ऑन डिस्कॉर्ड, माई डिस्कॉर्ड सर्वर। आप मुझे डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूँगा एक अच्छी वीडियो बनाने की। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड टू दिस चैनल एंड ऑल्सो कीप स्माइलिंग। बाय गाइज़।